राजमा हो या सूखी सब्जी, पराठा सभी के साथ अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं पराठा। आप हार्ड एनोडाइज्ड नॉनस्टिक, मिट्टी का, लोहे का, जो मर्जी आपको तवा पसंद हो वो आप ले लेंगे और उसके बाद उसे सिम पे कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप अपना पराठा बेलेंगे तब तक वो अच्छे से गर्म हो जाएगा। हम थोड़ा सा ऑयल डाल के अपने तवे को ग्रीस कर लेंगे। एक से डेढ़ इंच की लोई लेके आप उसको अच्छे से गोल कर लेंगे, क्योंकि हम परथन का यूज कर रहे हैं इसीलिए आपको अपने चकले और बेलन को ऑयल से ग्रीस करने की नहीं जरूरत है। तो अब हम इसे ऐसे करके बेल लेंगे। जब आप इसे थोड़ा सा बेल लेंगे तो इसको आप हाफ में तेल लगा लेंगे और उसके बाद दूसरे फ्लैप को आप बंद कर देंगे। उसके बाद ये जो सेमी सर्कल है इसमें भी आप हाफ में लगा के फिर दूसरा फ्लैप बंद कर देंगे। अब आप थोड़ा सा परथन लगा के इसको बेलना शुरू करेंगे। आप इसे मतलब थोड़ा राइट या थोड़ा लेफ्ट घुमा के स्ट्रोक दीजिएगा, आपको जो भी इजी लगता है आप वैसा कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका जो बेला हुआ पराठा है वो थोड़ा चिपक रहा है रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड से, तो आप इसमें थोड़ा सा परथन लगा के इसे वापस कर लेंगे। और इसे इस प्रकार से बेलना है कि इसके जो एजेस हैं वो थोड़े गोल हो ताकि वो और सुंदर लगे। 2 से 3 मिलीमीटर की मोटाई के साथ आपका पराठा तैयार है। अब क्या, ऐसे बस डाल दीजिए आप अपने तवे पर। जब तक आपका ये पराठा हो रहा है तभी तक आप फटाफट एक लोई लेके अपना आटा बेल लीजिए। अब तवा खाली भी तो नहीं रहना चाहिए, इसीलिए जब आपका एक साइड सिक जाए उसके बाद आप उसको पलट के उस पे ऑयल लगाइए और उसके बाद उसी के साथ ही साथ इस साइड, देखिए जैसे ये साइड सिकी थी तो इस पे हमने तेल लगाया, और इसी के साथ ही साथ आप अपनी लोई पे भी तेल लगाते चलिए। अब इतना करने तक ही आपका नीचे वाला पराठा भी सिक चुका है, तो इसे भी फटाफट पलट दीजिए। एक तरफ ये पराठा बेल रहा है और दूसरी तरफ ये पराठा सिक रहा है, दोनों साइड घुमाते घुमाते। अब ये देखिए आपका पराठा बन चुका है। अब क्या करना है, इसे रखिए कैसरोल में और खाइए मस्त से सब्जी के साथ। सब्जी बनाने की वीडियो मेरे चैनल पे है। और चीज बताऊं, ये देखिए आप लेयर खोल के भी इसे सर्व कर सकते हैं, ऐसे आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, सुंदर भी लगता है और मेहमानों के सामने एक स्पेशल स्टाइल भी बन जाती है।